नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सवाल लेके लोगों के बीच पहुंचे हैं कि बाबा राम रहीम जी की समाज को इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा ओमपाल सिंह है जी। आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? 2001 से जुड़ा हुआ हूँ जी। 20 वर्षों से आप डेरा आ रहे हैं, कभी यहाँ आपने गलत होते कुछ देखा? हमने कभी नहीं देखा जी ऐसा, और यहाँ आके तो और बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। जब से नहीं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी, वे बुराई हमारी ख़त्म हो ली। आज हम सुरक्षित की ज़िंदगी जी रहे। जब से हम 2001 से अपने सदगुरु से जुड़े हैं, जब से हमारे अंदर बहुत, उससे पहले बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बुराई थी, नशा और सामाजिक जो बुराई थी वे हमारी सारी हट गई यहाँ आने से। और हम अगर यहाँ ना आवे तो हमारे अंदर बहुत ऐसे विकार पैदा हो जाएंगे जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जैसे कि बीड़ी पीना और नशा। हमारे यहाँ आने से सभी बुराई हट गई, तो हम यहाँ आ गए बहुत सुखी है और हर महीने आते हैं हम यहाँ सत्संग पर। गुरु जी सत्संग में लोगों को किस तरह की शिक्षा देते थे? गुरु जी ने तो सारे समाज का उद्धार ही कर दिया, और जो भी समाज में बुराई थी, नशा या कैसी भी, सभी बुराइयाँ ख़त्म कर दी गुरु जी ने। लेकिन जब से हमारे गुरु जी गए हुए हैं, जब से बड़ी समस्या आ गई और समाज में बहुत कुरीति फैल गई। यानी उससे पहले हमने भी काफ़ी आदमी को जोड़ा यहाँ से, कई हजार आदमी को जोड़ा, और उनका जीवन में बहुत ही बहार आ गई। गुरु जी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया? गुरु जी ने समाज के लिए भ्रूण हत्या यानी सामाजिक बहुत कार्य कर दिया, लेकिन देखने वालों की, समझने वालों की थोड़ी सी कमी है। यानी गुरु जी ने हमारे ने ऐसा कर दिया, कोई और किसी ऐसा कोई विकास करा नहीं।